अस्सलाम, आप देख रहे हैं मुबशिर उस्मान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशिर उस्मान है, मैं लंदन में बेकर स्ट्रीट पर बैठा हूँ और ये बाहर बड़ी ठंड है भाई। अपना ये तो गोरे तो गुजर ही रहे हैं, किसी तरह को निकर में भी जा रहे हैं, बड़ा बाहिम्मत अपना गोरे है, लेकिन मुझे अपना जो है ना कुल्फी बन गई। मैं तो बाहर भी ये कम्बल लेके बैठा हूँ और हाथ मेरे इसके अंदर है और बुरा हाल हुआ है, लेकिन ये बाहर बैठ के कॉफी पीने का मजा एक अपना। मैं आपको बताऊं कि परसों मुझे बुलाया हुआ था ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ में चेयरपर्सन को भी मिला जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। फिर मेरी उसके अगले दिन लेबर पार्टी के कुछ लोगों से भी मुलाकातें हुई और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि बरतानिया की और पाकिस्तान की सियासत में कोई फर्क नहीं है। अगर वहाँ पे काफी अपना यानी मासूम से लोग बैठे, तो यहाँ पे भी जो बैठे वो खलीफा ही है, इनको भी कोई ज्यादा नहीं पता। और अब इस नतीजे पे है कि जनाब ये अगले कुछ 3 महीने में किस तरह से इस वजीर आजम की भी छुट्टी करा दें और ऋषि सोनक की, और ऋषि सोनक का तो आपको पता चल गया कि उसको एक मिल गया, टिकट मिल गया कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और पुलिस अपनी एफिशिएंसी दिखा रही है कि देखें जी हमने उसकी तस्वीर आई है तो उसको हमने टिकट दे दिया। लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि यहाँ पे क्राइम इस हद तक बढ़ गया और पुलिस इनकी इतनी नाकारा हो चुकी है कि उसके सामने पंजाब पुलिस जो है वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत बेहतर लगती है। अब देखें कि जो गाड़ी मेरे पास है, 3 दिन पहले मैंने एक पार्किंग लॉट में खड़ी की थी, कवर्ड पार्किंग लॉट है, तो उसके अंदर से चोरी होने की कोशिश हुई और उसके शीशे वीशे तोड़ दिए। खैर वो तो इंश्योर्ड थी गाड़ी, तो वो तो इशू नहीं है, लेकिन उस पार्किंग लॉट में कुछ 36 कैमराज हैं, 36 कैमराज उसमें लगे हुए और इनको ये नहीं पता चला कि वो चोर कौन था या पॉसिबल चोर कौन था। और अभी तक जो है ना उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, तो इससे आप सोच लें कि एफिशिएंसी का लेवल क्या है। और स्ट्रीट क्राइम इस वक्त लंदन में इतना ज्यादा है कि आपने सुना होगा कि लोगों की घड़ियां चोरी होती हैं या मोबाइल चोरी होते हैं, मगिंग होती है स्ट्रीट पे, वो तो है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो सब्जी वाले हैं, वेंडर्स हैं, वो बड़े तंग हैं। वो कहते हैं कि नहीं, लोग सब्जियां उठाते हो भाग जाते हैं बाहर से, क्योंकि वो बाहर लगाई होती है उन्होंने, वो जैसे आप खड़े के ऊपर फुटपाथ के ऊपर, तो वो वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद यानी क्राइम बहुत बढ़ चुका है क्योंकि यहाँ पे लोगों से अब खर्चा नहीं अपना पूरा हो रहा। और ये मैं पॉलिटिशियंस को मैं मिला हूँ ना, मैं आपको बताऊँ कि इनको भी कोई आइडिया नहीं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा डोमिनिक से, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इनके, उनसे मैंने कहा कि अगर ये रशिया यूक्रेन की वॉर ना खत्म हुई तो अगले साल क्या करेंगे, तो उसने कहा कि नहीं हो जाएगी खत्म। मैंने कहा कैसे होगी खत्म, कहना हो जाएगी बिल्कुल जैसे शेख रशीद नहीं बयान देते या जिस तरह बिल्कुल ऐसे ही अपना वो उसने बयान दे दिया कि वो खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन के खत्म हो जाएगी, तो इस नहीं भी होप के खत्म हो जाएगी। यानी प्लानिंग इनकी भी वैसी है जैसी हमारी है, डे टू डे बेसिस पे। और यहाँ पे इस वक्त होमलेसनेस बहुत ज्यादा हो गई है ब्रिटेन में, तकरीबन 2,67,000 लोग जो है वो आप समझे मिसिंग भी है। मिसिंग हमारे तो पता नहीं 30,000 की लिस्ट है, उसके ऊपर हर रोज हाजिरियां लग रही होती हैं, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी कोई बयान दे रहा होता है, कभी कोई बात कर रहा होता है, उनमें तो पता नहीं असली कितने हैं और फिगर्स कितने हैं। लेकिन यहाँ पे 267,000 पीपल आर मिसिंग ब्रिटेन में। और कल मैं इनकी रिपोर्ट एक देख रहा था कि होमलेसनेस जो है वो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और यानी कोई 1.5 से 2 लाख लोग जो है वो होमलेस हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो लड़कियों की है। और होमलेस का मतलब है कि ये लोग घरों के बाहर सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं, और इस मौसम में, इस सर्दी में, इस बुरे हाल में उनमें से पता नहीं कितने सर्वाइव करेंगे और कितने नहीं करेंगे बेचारे। और उनकी एवरेज एज जो है वो 24 से 34 साल है। फिर मैंने पता करने की कोशिश की कि ये इसमें ड्रग एडिक्ट सुनी है, जंकी सुनी है, ड्रग्स की वजह से वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो आगे रिपोर्ट में उसमें ये लिखा हुआ था कि होमलेसनेस की वजह से ये लोग ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, उससे पहले जरूरी नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस जो है बच्चियों के अगेंस्ट औरतों के ऊपर वो इतना ज्यादा है कि पता नहीं पाकिस्तान में रिपोर्ट होता है कि नहीं होता, लेकिन यह कि ब्रिटेन में जितना डोमेस्टिक वायलेंस है वो शायद कम मुल्कों में होगा दुनिया के।
जितना औरतों को यहाँ पे मार पड़ती है घरों में, जितना उनके साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो मैं ये सोच रहा था ये इस दफा ब्रिटेन को जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे में बड़ी कमी है, हमारे में बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान में, लेकिन इतना भी बुरा हाल नहीं। और ट्रैफिक का तो यहाँ पे इस वक्त इतना बुरा हाल है कि आप समझें कि आदमी हर वक्त हर जगह पे जॉर्ज टाउन के अंदर फंसा है, और कहीं पे जाना हो जो 2 मील दूर जगह हो तो वहाँ पे 30 मिनट 40 मिनट बड़े आराम से लग जाते हैं गाड़ी में। एक तो पूरे लंदन को 20 माइल जोन कर दिया, यानी 20 मील से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते तेज, और ये बसें वैसे जो है साइकिल जो है इनके लिए उन्होंने ज्यादा लेन्स बना दी है और इनको ज्यादा उन्होंने फैसिलिटेट किया है। तो यहाँ पे इस वक्त लाइफ जो है लोगों की काफी टफ हो रही है, और नई आबादियां तो बन रही है लेकिन लंदन वाला कोई नहीं खरीद रहा। यहाँ पे मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है वो मिडिल ईस्टर्न की हो रही है, कतर वाले ले रहे हैं, यूएई वाले ले रहे हैं, सऊदी अरेबियंस ले रहे हैं। और अगर मैं ये आपको कहूँ कि 30% लंदन की जो प्राइम लोकेशंस हैं वो मिडिल ईस्ट वालों ने खरीद ली है तो वो गलत नहीं है, बल्कि फुटबॉल क्लब्स तक जैसे मैनचेस्टर सिटी जो है वो तो इमारात ने खरीद लिया है, और ये जो है अब मुझे पता चला है कि लिवरपूल और एक और क्लब चेल्सी जो है वो भी बिक रहे हैं, और उनके ऊपर कतरीज जो है वो इंटरेस्टेड है उसके ऊपर। ये जो चेल्सी है ना ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, एक रशियन का क्लब था और उस रशियन से ले लिया जबरदस्ती इन्होंने कि जी इसकी पत्नी प्रेसिडेंट पुतिन से दोस्ती है, और उसके बाद वो क्लब $4.2 बिलियन का बिक गया आगे, और उस गरीब को एक आना भी उसमें से नहीं मिला जिसका वो क्लब था। तो अगर ये आप सोचे कि ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा होता तो इसे पूरी दुनिया में कितना रौला लपा होना था कि पाकिस्तान में लुट गए लोग, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, पाकिस्तान में क्राइम का क्या हाल है, रेशो देखो क्राइम का, और यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मीडिया उसका रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। और एक और रिपोर्ट ये आई है कि NHS जो है इनका नेशनल हेल्थ सिस्टम जो है वो टोटली कोलैप्स कर गया है, और वहाँ पे कई कई महीनों की वेटिंग लाइन है लोगों के लिए, इलाज कराने के लिए लोगों को एक अजाब हुआ है। और कल इत्तेफाक से एक और चीज हुई कि मेरा मोबाइल फोन जो है वो क्रैश कर गया, और जब वो क्रैश किया तो मुझे क्योंकि डेटा चाहिए था पूरा उसमें से, तो मैंने बाजार में गया दूसरा एक लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे ये एजवे रोड के ऊपर अब जो इतनी प्राइस लोकेशन है उन्होंने ये वाला एक सैमसंग मुझे दे दिया, ये उस दुकान में सबसे अच्छी क्वालिटी का सैमसंग था 100 पाउंड। तो मैंने कहा यार वो कोई फ्लिप फोन है इसका या आईफोन है, तो उनका जी इतने महंगे फोन हम यहाँ पे नहीं रखते, एक तो कोई लेता नहीं और अगर लेने वाला आ भी जाए तो यहाँ पे फिर चोरों का भी बड़े दावत देने की बात है कि जनाब कोई आए और फिर वो लेके भागने की कोशिश ना करें चेक करते हुए। तो इस वक्त बाकायदा यहाँ पे ये हालात है लंदन में, क्या ये लोग इससे निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके भी सियासतदान वैसे ही लगते हैं जैसे हमारे सियासतदान है। लेकिन एक खबर मैं आपको अपने सियासतदान की दे दूँ कि मरियम नवाज की गले की सर्जरी हो गई और डॉक्टर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया कि वो बेनाइन है, लेकिन वो गालिबन 3 से 4 हफ्ते बात करने पे उनको पाबंदी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो इतनी जल्दी आएंगी पाकिस्तान को, अगर आएंगी तो आती ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, ना वो जलसों से खिताब कर सकती हैं, उनको कुछ हफ्ते रेस्ट करना है। बाकी जैसी कोई डिटेल मिलती मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्टीमेट नेक्स्ट अल्लाह।